सुनते हैं कहानी मौली। मुसन्निफ सबा शादाब। आज जब मैं जरूरी सामान लेकर घर लौटा तो मेरी नन्ही बिल्ली मौली मेरे एतराफ चक्कर काटने लगी। म्याऊं म्याऊं की रट के साथ ही अपनी गहरी काली आंखों से मेरा चेहरा देखे जा रही थी। मैं जानता था उसे क्या दरकार है। लॉकडाउन से पहले हर तीसरे दिन मैं उसके लिए बाजार से मछलियां लाता। जैसे ही वो मुझे घर में दाखिल होता देखती मेरे आगे पीछे दौड़ने लगती। लाए हुए सामान से बड़ी आसानी से मछलियां ढूंढ निकालती थी। आज कई दिनों से सामान में मछली नहीं है। उसकी खाली आंखें मेरा ताक्कुब करती हैं और उसकी इस्तेफामिया नजरें अपने लिए मछली मांगती हैं। मैं रोज उसके पास बैठकर उसे समझाता हूं कि मेरी प्यारी मौली बाजार बंद है, कहीं भी मछली नहीं, लेकिन मेरे किचन में जाते ही वो मेरे पीछे आकर फ्रिज के पास बैठ जाती है। मैं उसे कैट फूड देता हूँ, दूध पेश करता हूँ, लेकिन वो नाराज और उदास नजरों से मेरी जानिब देखते हुए सब कुछ छोड़कर चुपके से चली जाती है। मैं आज बहुत रंजीदा हूँ। मेरी मौली ने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया। खाली पेट होने के सबब उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। हम इंसान तो जानते हैं कि बाजार में कुछ दस्तयाब नहीं है, लेकिन मैं मेरी मौली को किस जबान में समझाऊं कुछ समझ में नहीं आता। मौली की उदासी से बेखबर उसके तीन मासूम बच्चे मस्त होकर खेल रहे हैं और मौली गैलरी में बैठे दूर किसी चीज के इंतजार में देख रही है, जैसे मैं इस लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार देख रहा हूं। मौली और मेरा ये इंतजार कब खत्म होगा पता ही नहीं।